वहीं शहर और जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सीय संस्थान बीएम शाह अस्पताल लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में नई इबारतें लिख रहा है। इस बार का मामला मस्तिष्क रोग से जुड़ा हुआ है, जहां मरीज के परिजनों ने मरीज के बचने की उम्मीद ही खो दी थी। बावजूद इसके अस्पताल के काबिल डॉक्टरों एवं नर्सिंग टीम की मेहनत से मरीज को नया जीवन मिल पाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भिलाई शहर का नाम अब सर्वोच्च स्थान पर है, क्योंकि भिलाई शहर में बीएम शाह अस्पताल जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस अस्पताल स्थापित है और यह अस्पताल प्रतिदिन अपनी सर्वोत्तम चिकित्सा प्रणाली के दम पर नित नए आयामों को छूता जा रहा है। नए मामले में राजनांदगांव के एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की हालत इतनी गंभीर थी कि उनके परिवारजनों ने भी उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु बीएम शाह अस्पताल के होनहार डॉक्टरों एवं पूर्ण तरह प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की कड़ी मेहनत से उस मरीज को नया जीवन दान दिया गया। मरीज को सड़क दुर्घटना में सर पर गंभीर चोट आई थी, जिसका इलाज करना वाकई काफी मुश्किल भरा था, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और अपना सर्वोत्तम प्रयास जारी रखा, जिसकी वजह से मरीज को नया जीवन मिल पाया। डॉक्टरों का कहना है कि वह धीरे धीरे अब अपने पारिवारिक परिवेश में रहकर बिल्कुल पहले की तरह सामान्य जीना प्रारंभ कर देगा। इस मामले में डॉक्टर अनिंदो राय, न्यूरोलॉजिस्ट और अस्पताल के ऑपरेशन डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मिश्रा ने मामले की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई। मरीज का नाम नित्यानंद तिवारी, 48 इयर्स के, हमारे हॉस्पिटल में 4 जुलाई को आए थे। सिर में चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनका सिर में चोट लगी थी। जब मरीज हॉस्पिटल में आया था तो बेहोशी की कंडीशन में था, आँख वगैरह खोल नहीं रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी। इसको हमने वेंटिलेटर पे रखा, सीटी स्कैन किए, सीटी स्कैन में पता चला कि सिर में चोट लगी है, जो एक प्रकार की अंदरूनी चोट है, पूरी बिखरी हुई चोट है। सबसे मुश्किल जो सिर की चोट रहती है वो इस टाइप की चोटें रहती है, जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन पूरे दिमाग में बिखरा हुआ फैला हुआ अंदरूनी चोट रहती है। ऐसे चोटों में ज़्यादातर मरीज की बचने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन इसका इलाज चलता रहा धीरे धीरे करते करते। पहले वेंटिलेटर पे था, गले में पाइप थी, उसके बाद हमने उसका ट्रेकोस्टोमी किया, इलाज चलता रहा, दवाई चलते रही, धीरे धीरे करते करते मरीज में सुधार हुआ और 50 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज वो मरीज डिस्चार्ज हो रहा है। काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है उसका, वो अभी होश में है, रिश्तेदारों को देखता है, हमको भी देखता है, हमारे बातों को सुनने की कोशिश करता है, एक दो शब्द बोलता है लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाता है। उम्मीद ये है कि ऐसे मरीज जब घर जाते हैं तो घर के वातावरण में दवाई के साथ में, फिजियोथेरेपी के साथ में काफ़ी हद तक सुधार होकर, हो सकता है कि वो अपने रोज की जो रूटीन लाइफ है ऐसा जी पाए। तो ये है कि 50 दिन रहने के बाद ये मरीज आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि बीएम शाह हॉस्पिटल के लिए ये एक उपलब्धि है। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बचने की कंडीशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने प्रयास किया और जो अभी उसकी कंडीशन है, एट प्रेजेंट जो कंडीशन है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? जो उसको प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहा, ये तो रहेगी, लेकिन क्या खतरे से बाहर है? आप उसके ज़िंदगी को तो कोई खतरा नहीं? हम यूजुअली मरीज को जब छुट्टी देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, ऐसी स्थिति बना के भेजते हैं कि ताकि अब जान का खतरा नहीं रहे। तो हमें अब ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि ये मरीज अब जान के खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे उसका बात करना, खाना खाना, ये हल्का फुल्का अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दवाई के सहारे घर पे घर के वातावरण से ये और इम्प्रूव करेगा और काफ़ी हद तक पहले जैसा होने की संभावना है। नित्यानंद तिवारी, हेड इंजरी कंप्लेंट से आया था, सीवियर हेड इंजरी थी इसको। मरीज बेहोशी की अवस्था में आया था, आते ही उसको वेंटिलेटर में रखा गया, आईसीयू में, सीटी स्कैन किया गया, उसके बाद पता चला कि इसको सिर में इतनी गहरी चोट है कि जिसका आगे का मुश्किल है बचना। वेंटिलेटर में लगातार 50 दिन आईसीयू में रहा, 40 दिन करीबन आईसीयू में रहा और आज उसका 50वां दिन है। टीम, जो ट्रॉमा टीम हमारी बीएम शाह की है, वो बहुत स्ट्रांग है, आईसीयू की केयर हमारी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से स्टाफ का मेहनत, ओटी टीम का, ऑपरेशन का टीम का और बाकी जो थे इनका
पूरी टीम का मेहनत आज रंग लाई कि मरीज को हम छुट्टी करके घर भेज रहे। सर जिस समय वो आया था क्या कंडीशन थी, क्या उम्मीद थी कि हम बचा लेंगे? रिलेटिव जो समय थे ऑलरेडी परेशान थे क्योंकि मरीज बेहोशी में लेके आए थे और सिटी के बाद जब उनको बताया गया कि बचने की उम्मीद नहीं है उन लोगों ने आशा छोड़ दी थी। लेकिन एक होता है कि बचाने वाला ऊपर होता है, ऊपर वाला का एक आशीर्वाद रहता है। डॉक्टर हम सब तो एक अपना काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, कोई चीज़ें ठीक होती हैं कोई चीज़ें नहीं होती करके। इस मरीज की कुदरती भी इतना किस्मत ठीक थी और मरीज टाइम दिया हमको और हम उसको बचा पाए। जो मरीज टाइम नहीं दे पाते हम उनको नहीं बचा पाते। वहीं सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राजनांदगांव से आए मरीज के परिजनों ने बीएम शाह अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों और पूर्णता प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ का हृदय से आभार जताया है और इन्हें पूरे प्रदेश का सबसे अच्छा चिकित्सीय प्रतिष्ठान और चिकित्सीय प्रबंधन के साथ चिकित्सीय टीम बताया है। 4 जुलाई 2022 को दिन में लगभग 2 बजे इनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में बेहोशी की हालत में हम लोग बीएम शाह हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ आने के बाद कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर्स ने बड़े सपोर्टिव तरीके से उन्हें मैनेज किया और आज के डेट में हम लोगों का 50वां दिन है। 1 महीने से ज़्यादा तो ये ICU में रहे और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। हम लोगों को बस विश्वास था तो डॉक्टर्स पे और ईश्वर पे विश्वास था और वह चमत्कार हुआ भी कि धीरे धीरे उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए। पहले ऑक्सीजन वेंटिलेशन ये सब हटाया गया, फिर ट्रैकनोस्टोमी को रिमूव किया गया और अब बस सिर्फ एक ही रह गया कि हम उन्हें फीडिंग जो है खाने को नली से सिर्फ भोजन दिया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे रिस्पांस आने में जिस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत अच्छा उम्मीद नहीं था, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ है कि जन्माष्टमी के दिन 19 तारीख से हल्का फुल्का वो बोलना भी शुरू कर रहे हैं, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है लेकिन धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि उनको फेमिलियर एटमॉस्फियर चाहिए तो हम लोग घर ले जाने के लिए उन्हें घर ले जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम लगातार लगाव में लगे रहेंगे, डॉक्टर्स जैसा कहेंगे उस तरीके से हम पेशेंट को हैंडल करेंगे। कुछ लोग शहर में बीएम शाह अस्पताल को लेकर के बहुत गलत बातें भी कहते हैं कि यहाँ लूटपाट होती है या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। आप स्वयं देखें इस चीज़ को, आप क्या कहेंगे? जी सर, ये सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। हमारा तो 50 दिन हो गया और 50 दिन में घर के जैसा हो गया, तो 50 दिन में हमारे साथ तो ऐसी कोई लूटपाट नहीं हुई और उनके साथ अगर ऐसा हुआ होगा, लोगों की अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स हैं तो वो उस तरीके से कह रहे होंगे, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम तो आशाओं को छोड़ के आए हुए थे जिस कंडीशन में हमारे पेशेंट थे। और आज यह एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है और जो कहा जाता है कि डॉक्टर ईश्वर का रूप है तो वाकई एक ईश्वर का रूप, हाँ ईश्वर पर विश्वास करना हुआ, ईश्वर के हाथ में है, जिसके साथ जो जैसा लिखा है वो हो सकता है, लेकिन हम इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हमारा पेशेंट ठीक हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल जितना हमसे बन सकता है मैं ईश्वर से धन्यवाद करूंगा कि हॉस्पिटल दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और यह भी प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु यहाँ जो भी मरीज आए उनकी आप रक्षा कीजिए ताकि इनका नाम और यश फैले, डॉक्टरों के हाथ में नाम और यश आए। तो हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ईश्वर पर भी निर्भर करता है, इस बात पे मैं तो पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकता। परंतु विडंबना यह भी है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ गलतफहमियों की वजह से कई बार परिजन अपने पारिवारिक सदस्यों को खो देते हैं और जिसका इल्जाम ऐसे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रतिष्ठान पर लगाते हैं जहां की चिकित्सा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ होती है। सर्वप्रथम आम जनमानस को यह समझना होगा कि कोई भी डॉक्टर कभी यह नहीं चाहता कि वह जिस मरीज का इलाज कर रहा है वह जबरिया मौत के मुंह में समा जाए, परंतु वक्त और हालात कभी कभी इतना समय नहीं देते कि किसी की जान बचाई जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।